प्यारे दोस्तों, हसरत पूरी ना हो तो ना सही, लेकिन ख्वाहिश करना कोई गुनाह तो नहीं। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेहनत नहीं की है, और थोड़ी बहुत मेहनत की है लेकिन उतनी मेहनत नहीं की है जिससे आपको पूरा कॉन्फिडेंस मिल पाए, आपको यार इतनी हिम्मत मिल पाए, इतना जज्बा मिल पाए कि हाँ एग्जाम इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा, संपूर्ण हमने मेहनत कर ली है, ये कॉन्फिडेंस आपको, ये एनर्जी आपको नहीं मिल पा रही है, छोटी छोटी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। एक दिन पहले ये वीडियोस आपको यार मिल रहे होंगे, जिसमें हम टर्म टू के पूरे सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। जी हाँ, ये संजीवनी बूटी का काम करेंगे लेक्चर्स, काफी मदद मिल रही है, कंप्लीट मंदसौर तो आपको मिल ही चुके हैं। ये तो छोटी छोटी वीडियोस हैं यार, ये बड़ी मजेदार है, कुछ भी नहीं किया, कुछ मिनट में ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और वीडियो के लास्ट में आप वीडियो कंप्लीट करें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना, आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, कंप्लीट नॉलेज आपके दिलों में, डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपसे बन रहा होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वेस्ट करने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं हमारे पास, बनने के लिए टाइम नहीं, अरे मजा। देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है केमिकल काइनेटिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री का एक शानदार चैप्टर है जो कि डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ठीक है, दो टाइप के रेट को जानने वाले हैं, एवरेज रेट को जानने वाले हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एक इंटरवल में रेट ऑफ रिएक्शन, और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट रिएक्शन रेट। इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन को कैसे डील किया जाएगा, उसके लिए एक जनरल हाइपोथेटिकल रिएक्शन हमारे सामने, ए ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी प्लस डी डी, सी सी प्लस डी डी। ठीक है, तो दोनों टाइप की रेट हम लिख रहे होंगे। अगर हम एवरेज रेट की बात करें, यहां देखना, पहले हम बात करेंगे एवरेज रेट की, जल्दी जल्दी से इस चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, ये कैप्सूल सेशन है ना, कैप्सूल एकदम से खाने पर ही आराम मिलता है। ठीक है, तो एक झटके में आपको आराम चाहिए, झटके वाला आराम चाहिए, तो कैप्सूल खाइए और बिंदास हो जाइए। ठीक है, एवरेज रेट की बात कर रहे होंगे, एवरेज रेट की बात कर रहे होंगे, तो देखिए जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट है इनको गौर से देखिए, देख लिया, डिवाइड कीजिए, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के वेरिएशन को यूज करते हुए ऐसे हमारे पास देखना चार एक्सप्रेशन बनेंगे, जिनकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी, किसी से भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जा सकती है। माइनस साइन यहां देखिए कंजप्शन को इंडिकेट कर रहा होगा, और राइट साइड फॉर्मेशन हुई है, प्लस साइन प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, यहां देखिए डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी, यहां देखिए माइनस वन बाय बी, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डेल्टा टी, यहां देखिए प्लस वन बाय सी, डेल्टा कंसंट्रेशन सी बाय डेल्टा टी, यहां देखिए प्लस वन बाय डी, डेल्टा कंसंट्रेशन डी बाय डेल्टा टी। इस प्रकार से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखने में कामयाब हो पाए, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें रेट लिखनी है तो डिफरेंशिएशन हमें यूज करना होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट को लिखना है, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हमें डिफरेंशिएशन को यूज करना होगा, माइनस वन बाय डी कंसंट्रेशन ए बाय डी टी, माइनस वन बाय बी डी कंसंट्रेशन बी बाय डी टी, ठीक है, प्लस वन बाय सी डी कंसंट्रेशन सी बाय डी टी, प्लस वन बाय डी डी कंसंट्रेशन डी बाय डी टी। क्लियर हुई बात, अब हम यूनिट की बात कर रहे होंगे। ठीक है, यहां से देखकर आप मुझे बताइए यूनिट क्या होगी, ऊपर कंसंट्रेशन नीचे टाइम कंसंट्रेशन, ये मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म है। ठीक है, तो मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म किस प्रकार से मिलती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो यहां नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, रिएक्टेंट के होंगे या प्रोडक्ट के होंगे, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन की वॉल्यूम होगी। यानी कंसेंट्रेशन टर्म जो मोलैरिटी है जो हमने इस्तेमाल में यहां लाई गई है, जो इस्तेमाल में हमने ली है, ठीक है, जो कंसेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी इस्तेमाल में हम लेकर आए हैं, ये देखिए मोल पर लीटर है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, टाइम से डिवाइड किया गया, टाइम माइनस वन, ये रेट की यूनिट होगी। एक कोफिशिएंट से डिवाइड अगर ना किए जाए एक्सप्रेशन, तो ऐसे केस में यार इक्वल नहीं हो पाएंगे। हाँ, इक्वल बनाने के लिए कोफिशिएंट से डिवाइड करना ही होगा, बिना कोफिशिएंट से डिवाइड किए इक्वल नहीं होंगे, लेकिन इनका कुछ तो मीनिंग निकल रहा होगा, बिल्कुल मीनिंग निकल रहा होगा। जैसे माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ए बाय डेल्टा टी, इस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है रेट ऑफ कंजप्शन, एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन होगी, ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन होगी, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगी, एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगी। क्लियर हुई बात? और इसका मीनिंग क्या है, प्लस डेल्टा कंसेंट्रेशन सी बाय डेल्टा, ये एवरेज रेट होगी, रेट ऑफ प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन ऑफ सी, ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन और अपीयरेंस ऑफ सी, हाँ सी के लिए हमने ऐसे लिख दिया, और रेट ऑफ कंजप्शन और डिसअपीयरेंस ऑफ ए के लिए हमने ऐसे लिख दिया। सिमिलर मैनर में बी के लिए भी ऐसे लिखा जा सकता है, डी के लिए भी रेट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्शन अपीयरेंस लिखी जा सकती है। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना हमने सीख लिया है। रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कंसेंट्रेशन प्रेशर, हाँ कंसेंट्रेशन प्रेशर, इनके इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, ये इंक्रीज होंगे तो रेट इंक्रीज हो जाएगी। सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर रेट ज्यादा होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट इंक्रीज होगी। इसका जो वेरिएशन है ये अर्हीनियस इक्वेशन से मिलता है, बाद में देखेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट आयनिक है तो रेट ज्यादा होगी, ठीक है, कोवलेंट है तो रेट कम होगी, क्योंकि कोवलेंट रिएक्टेंट के केस में बॉन्ड ब्रेक होंगे फिर बनेंगे, तो रेट यार इस प्रकार से देखना, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होगी तो रेट कम होगी। आयंस को जस्ट मिलना है, संगम होने से प्रोडक्ट बनना है, तो यार रेट ज्यादा होगी। कैटलिस्ट तो रेट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कैटलिस्ट इंक्रीज भी कर सकते हैं रेट को और डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा होगा ये पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, ये जो कैटलिस्ट रेट को डिक्रीज कर रहा होगा ये नेगेटिव कैटलिस्ट होगा। कैटलिस्ट दोनों प्रकार के होते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल रिएक्शन के केस में जो रेट है ये इंटेंसिटी ज्यादा करने पर इंक्रीज हो पाएगी। क्लियर हुई बात? रेट कॉन्स्टेंट, जो कि आप रेट लो में देखोगे, रेट कॉन्स्टेंट क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज वन, हाँ वन मोलर हो, यूनिटी हो, तो ऐसे केस में जो रेट होगी उसको रेट कॉन्स्टेंट बोला जाता है, रेट कॉन्स्टेंट। और इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट। इसे कहां देखेंगे आप, इसे आप रेट लो में देखेंगे, और रेट लो जो है इंस्टेंटेनियस रेट को लिखने का एक लाजवाब तरीका है। कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच कंसेंट्रेशन टर्म रेज टू सम पावर व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, दीज पावर्स आर डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसका क्या मीनिंग है, जैसे हमारे पास ये वाली शानदार रिएक्शन है, ए ए प्लस बी बी गिव्स अस सी सी प्लस डी डी, ठीक है, ये वाली हमारे पास शानदार रिएक्शन है, इसके लिए अगर रेट लिखनी है तो रेट डायरेक्टली रिलेटेड होगी, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी है, तो ए की कंसेंट्रेशन के साथ रेट डायरेक्टली रिलेटेड होगी, बी की कंसेंट्रेशन के साथ रेट डायरेक्टली रिलेटेड होगी, कुछ पावर्स होंगी इन कंसेंट्रेशन टर्म की, हाँ पी क्यू कुछ पावर्स होंगी, ये कोफिशियंट ए बी के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इनके बारे में अंदेशा कहां से होगा, एक्सपेरिमेंटली होगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से भी आप यार इनके ऊपर बिंदास कमेंट कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगी आपको, आप ऐसे बैठे रहेंगे, या तो एग्जाम में इनके बारे में दिया होगा, ठीक है, कि इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर इतना, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर उतना है, या फिर आपको कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होगा जिसको यूज करने से खोपड़िया में क्या आएगा,
ठीक है, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है। टेंशन नहीं लेनी है, या तो दिया होगा या फिर इनके बारे में आप आइडिया लगा रहे होंगे दिए गए डेटा से। कुछ भी ना दिया हो, ना ही डेटा दिया हो, फिर उस केस में आप इनको ए एंड बी के इक्वल मान सकते हो। इसका मतलब यही है कि पावर जो है इनके रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है, मतलब पी ए के इक्वल होगा और क्यू बी के इक्वल होगा। ध्यान से सुन लो, कोई डेटा दिया है अलग से पावर्स दे रखे तो उस डेटा को यूज करते हुए पावर निकाल लो, या फिर अलग से जो पावर दी है उनको आप यूज कर लो, नहीं तो इन कोएफिशिएंट को ही यहां पर आप पावर मान लेंगे, p इज इक्वल टू a, q इज इक्वल टू b। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को ब्रेक करते हुए, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूज करते हुए इस प्रकार से रेट लो आप लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया है, ये जो पावर्स हैं ये ऑर्डर है, ये हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हो जाएगा ऑर्डर, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। याद रखेंगे ये वाली बात, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है। रेट लो में जो पावर है, कंसेंट्रेशन टर्म की जो पावर है उसे ऑर्डर बोला जाता है। और यार बात की जाए ओवरऑल ऑर्डर की, ओवरऑल ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ए सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म इन रेट लो एक्सप्रेशन, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसेंट्रेशन टर्म्स, कंसेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लो एक्सप्रेशन। तो ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलिए, ओवरऑल ऑर्डर आपने जान लिया, ठीक है, अलग अलग से ऑर्डर की हमने बात कर ली। ये क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए सेम रहती है, ये ऐसे वेरी नहीं होगा, कंसंट्रेशन प्रेशर के वेरिएशन से वेरी नहीं होगा। लेकिन यार इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है टेम्परेचर को वेरी करने से, टेम्परेचर के साथ इसका क्या वेरिएशन है ये हम जान रहे होंगे आगे अरहिनियस इक्वेशन में। ठीक है, चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन हमने देख ली है, अब ये मोलिकुलैरिटी क्या है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऑर्डर जानने के बाद मोलिकुलैरिटी में होती कंफ्यूजन। देखिए, ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, मोलिकुलैरिटी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये बात करती है टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है सिंगल स्टेप। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको हम मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। जैसे इस पिछली रिएक्शन को एलिमेंट्री मानते हुए मोलिकुलैरिटी की बात की जा सकती है, कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी मोलिकुलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलिकुलैरिटी हो जाएगी स्मॉल ए प्लस बी। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ऑर्डर क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, इसके ऊपर थियोरेटिकली कमेंट किया जाता है। ठीक है, थियोरेटिकली डिटरमाइंड, इनके बीच डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। डेफिनेशन लिख देंगे, बता देंगे एग्जांपल से, बता देंगे आप ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ स्पीसीज कभी भी फ्रैक्शनल होते नहीं है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शनल होने की हमें बात नहीं करनी, होते नहीं तो कहां से बात करनी। तो मॉलिक्युलैरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, ये कभी फ्रैक्शनल नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी। ठीक है, क्या मॉलिक्यूल का नंबर नेगेटिव हो सकता है, ये कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, लेकिन ऑर्डर जो है ये फ्रैक्शनल हो सकता है, हाँ फ्रैक्शनल हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एक डिफरेंस आप ये लिख देंगे, चले आगे। ठीक है, क्या मोलिकुलैरिटी जीरो हो सकती है, नहीं, जीरो फ्रैक्शनल नेगेटिव ये नहीं होगी, लेकिन हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर इस प्रकार से जीरो नेगेटिव फ्रैक्शनल मिल सकता है। एक और बात, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है ये ऑर्डर पर डिपेंड कर रही होगी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ एनसीईआरटी बुक में दिया है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, ऑर्डर जो कि एन है, कैसे, यूनिट ऑफ के जो है ये होगी मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन टाइम माइनस वन। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के केस में आप यार ये तमाम यूनिट यूज कर पाएंगे,
ठीक है, एन की वैल्यू चेंज करेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए एन इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन इज इक्वल टू वन और सेकंड ऑर्डर के लिए एन इज इक्वल टू टू। इस प्रकार से यार डिफरेंट डिफरेंट के की यूनिट आपको ऑर्डर की कोरस्पॉन्डिंग मिलती जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे सिलेबस में दो टाइप के ऑर्डर यार इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, दोनों की इंटीग्रेटेड फॉर्म आपको याद होने चाहिए। इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलता है, जीरो ऑर्डर के केस में और फर्स्ट ऑर्डर के केस में, इनसे रिलेटेड यार क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। जीरो ऑर्डर के केस में इंटीग्रेटेड फॉर्म मिलती है टाइम टी पर कंसंट्रेशन इस प्रकार से मिलती है, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू के। याद कर लिया आपने, जल्दी से इसको याद कर लो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है तो यार ये फॉर्मूला संजीवनी बूटी का काम करेगा और बिंदास आपको आंसर तक लेकर जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप इसको अप्लाई करना ना भूलें, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग कंसंट्रेशन आर नॉट बाय कंसंट्रेशन आर टी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना है तो आप इसको अप्लाई कर लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करना, कुछ भी फाइंड करना है तो इसको अप्लाई कर लो। ठीक है, मजा आ जाएगा। हाफ लाइफ टाइम क्या है, टाइम टेकन टू रिड्यूस हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, टाइम टेकन टू रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, 50% रिएक्टेंट को कंज्यूम करने के लिए जो टाइम लगेगा उस टाइम को हाफ लाइफ टाइम बोल देंगे, टी 50% और टी 1/2 बोल देंगे, टी 50% और टी 1/2। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में देखिए इस प्रकार से फाइंड किया गया है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी 50% की बात की जाए तो जीरो ऑर्डर के केस में टी 50% आर नॉट बाय 2 के मिलता है। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम टी 50% और टी 1/2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट मिलता है। हाँ बिल्कुल सही सुना है, बोलो क्या मिलता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, 0.693/K मिलता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन मिलता है। याद कर लिया, बस K की वैल्यू डालो आंसर आ जाएगा। ठीक है, याद कि R नोट भी चाहिए, हाफ लाइफ टाइम R नोट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिल रहा होगा। आई होप आपने याद कर लिया, अरे याद हो गया। इसके अलावा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, जीरो ऑर्डर से रिलेटेड हाफ लाइफ टाइम और आर नोट का ग्राफ कैसा होगा, इंपोर्टेंट ग्राफ की बात करेंगे। हाफ लाइफ टाइम इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड मिलता है, एक्सप्रेशन आपके सामने है। ठीक है, और 0.0 सेटिस्फाई हो रहा होगा, स्लोप पॉजिटिव मिल रहा होगा तो स्ट्रेट लाइन ऐसी मिलेगी आपको। इसके अलावा आर टी वर्सेस टी ग्राफ जीरो ऑर्डर के केस में, RT वर्सेस T ग्राफ जीरो ऑर्डर के केस में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप साफ साफ देखेंगे जीरो ऑर्डर के केस में टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली आप साफ साफ देखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रही है, और ये डिक्रीमेंट देखिए कहां से स्टार्ट हुआ है, आर नोट से, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट, स्लोप नेगेटिव मिलता है। देखिए आर नोट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी, ये फॉर्मूला आपके पास है। हाँ, ये वाले ग्राफ हमने जीरो ऑर्डर के केस में देखे हैं, जीरो ऑर्डर के केस में ये वाले ग्राफ देखे हैं, ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहां से देखिए आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी, रीअरेंज करने पर यह मिलता है प्लस आर नोट, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप है, स्लोप देखिए नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव स्लोप के कोरस्पोंडिंग आपको स्ट्रेट लाइन ऐसी तो मिलेगी। ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप एम जो होगा टेन थीटा ये नेगेटिव होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आपको ऐसी मिल जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर के केस में ग्राफ की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर के केस में पहली बात तो हाफ लाइफ टाइम जो है ये आर नोट से इंडिपेंडेंट है, 0.693/K, याद कर लिया आपने, वेरी गुड, याद कर लिया आपने, वेरी गुड, याद कर लिया है। हाफ लाइफ टाइम टी 50% आर नोट से इंडिपेंडेंट है,
आर नोट पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, तो आर नोट कितना भी हो जाए इसकी जो वैल्यू मिलेगी ये आप जानते 0.693 बाय के मिल रही होगी, 0.693 बाय के मिल रही होगी फर्स्ट ऑर्डर के केस में हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू। क्लियर हुई है बात? इसके अलावा एक ये वाला ग्राफ भी पूछा जा सकता है। कौन से वाला? लोग आरटी वर्सेस टी या बेस टेन है। ये ग्राफ कैसा होगा? बोलो ये ग्राफ कैसा होगा? आप ये बात तो जानते हैं, लोग आर नोट बाय आरटी, आर नोट बाय आरटी इज इक्वल टू केटी होता है। और यहां देखिए 2.303 होगा, इसको राइट साइड भेज दें तो यहां 2.303 होगा। हाँ, बेस 10 बनाने के लिए यहां देखिए 2.303 भी मल्टीप्लाइड था, जिसको मैंने उस तरफ भेज दिया। आई होप ये क्लियर है। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, लोग एम बाय एन को लोग एम माइनस एन लिख सकते हैं, लोग आर नोट विद बेस 10 माइनस लोग आर टी विद बेस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हमने ये लिख दिया, कोई टेंशन इसमें। और यहां से देखिए, लोग कंसंट्रेशन आरटी इज इक्वल टू माइनस के टी बाई 2.303 प्लस लोग कंसंट्रेशन आर नोट। रीअरेंज करने पर ऐसा मिल रहा होगा, इसको इसके इक्वल लिख दो, इसकी जगह आप ये लिख दो और फिर देखिए लोग आरटी किसके इक्वल मिल रहा है, लोग आरटी आपको इसके इक्वल ही मिल रहा होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपैरिजन करने पर आपको ये मिल रहा होगा कि स्लोप जो है नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन मिल रही होगी, नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, और y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट इस केस में लोग r नोट है। स्लोप कितना है? स्लोप देखिए इस केस में इतना है, x कोऑर्डिनेट t है और स्लोप है माइनस के बाय 2.303। स्लोप ये माइनस के बाय 2.303। थीटा ग्रेटर देन 90 है, स्लोप m इज इक्वल टू 10 थीटा, थीटा ग्रेटर देन 90 है, स्लोप नेगेटिव मिल गया और ये नेगेटिव स्लोप जो है माइनस के बाय 2.303 है। नेगेटिव स्लोप आपको इतना मिल जाएगा। ऑलराइट, क्लियर हुई बात? अब देखिए लास्ट टॉपिक आ गया अर्हीनियस इक्वेशन के टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर के वेरी होगा, के इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने पर के डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होने से डिक्रीज होने से ऐसा होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होने से के इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डिक्रीज होने से के डिक्रीज होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इफेक्टिव कोलिजन कम होंगे। ठीक है, ए जो है ये अर्हीनियस फैक्टर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां जो ई है ये क्या, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर जो है ये गैस कॉन्स्टेंट है, आर जो है गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है। क्लियर हुई बात? और मैथमेटिकली भी आपको ऐसा ही मिलता है, टी बढ़ाने पर, टी इंक्रीज करने पर के इंक्रीज होगा, टी डिक्रीज करने पर के डिक्रीज होगा। अगर T1 से T2 टेम्परेचर वेरी किया जाए और रेट कांस्टेंट K1 से K2 वेरी हो तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एक तो ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा मुझे लगता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, दूसरा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी गुड, वेरी नाइस, चले आगे। फिर आगे कुछ है ही नहीं, इस फॉर्मूला को जल्दी से याद कर लो भाई, याद कर लिया है। ठीक है, ई एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
देखिए ये वाली एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये रिएक्टेंट की एनर्जी होगी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां बन रहा होगा, इसे बोला जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमने बात की एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स की, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स की ठीक है, रिएक्शन प्रोग्रेस के साथ किस प्रकार से एनर्जी में वेरिएशन होगा, इसका एक जनरल केस हमने लिया। डिशुम होगी रिएक्टेंट में, एनर्जी इंक्रीज होगी, यहां देखिए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, इसके बनने के लिए ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये कैप्सूल सेशन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है और क्वेश्चन इनके इर्द गिर्द ही घूम रहा होगा, लेकिन फिर भी और ज्यादा कॉन्फिडेंस आप पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं यार नहीं हमें तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस और लगन के साथ काम करना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए देखिए, आपको लेक्चर नोट्स मिल रहे होंगे और उसमें काफी सारे सोल्ड क्वेश्चन मिल रहे होंगे, ये सोल्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है, इतने आप देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर देखकर चले जाओ, उतने से आपका काम बन जाएगा। आई होप ऐसा कर रहे होंगे, कुछ भी ना करने से ये करना आपको मोर देन 90% स्कोर करने के कैपेबल बना रहा होगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे, इसी आशा और इसी उमंग के साथ इस सेशन में इतना काफी है, जल्द ही एक और वीडियो में हम लोग मिल रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।